तो ये मैया भी नहीं आज तो ये हो रही इमोशनल ये रोने की ये राम देखो मैंने मजा आके और सच में रोने लगे। अरे पागल मैं फिर आऊंगा घबरा मत। तो यार ये सच में रोने लगे यार हद यार। ना मतलब ठीक है बस बिल्कुल बिल्कुल। तो दादी ने मेरे को बहुत सारा ज्ञान दे दिया करनी मैंने अपने मन की है पर ठीक है। हाँ ठीक है चल ठीक है ध्यान रखे चलते अब निकलते हैं यहाँ से फुल पावर में ठीक है बढ़िया अच्छा ठीक है। उदास मत होना है उदास मत होना है ए फिर लही रोन चल कोई बात नहीं आज तो ये हो रही इमोशनल ये हो रही आज तो चल यार उदास लगी उसको यहाँ कोई है नहीं ना बहुत साल पहले हम सब लोग यहाँ रहते थे लेकिन क्या करें हालात के अनुसार सबको इधर उधर जाना पड़ा। ये राम राम ये राम देखो मैंने मजा आके और सच में रोने लगे। अबे यार अरे पागल मैं फिर आऊंगा घबरा मत मैं आऊंगा फिर आऊंगा ठीक है फिर आऊंगा ठीक है। तो यार ये सच में रोने लगे यार हद यार आजकल मैं सबको रुला रहा हूँ यार पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है तो ये मैया बस हो गया अरे यार निकलता हूँ यहाँ से यार सब रो रहे चलो ठीक है टाटा बाय बाय ठीक है बाय टाटा टाटा ठीक है पुष्पा है पुष्पा कहाँ है पुष्पा चल ठीक है फिर बाय 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 बाय। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से अब लंबे सफर के लिए ठीक है पुष्पा ठीक है इमोशनल मत हो मैं आऊँगा पक्का आऊँगा ठीक है भाई टाटा ओ बड़ी ठीक है भाई टाटा ढंग से रह तू बंदरों को मत मार यहाँ बंदरों के साथ लड़ाई कर रही बोल तू आजकल यहाँ। तो चलिए जी फाइनली हंसी और गम के बीच ये सफ़र शुरू करते हैं अब। तो आज मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ मैंने बाइक ऊपर वाले रास्ते पर रखी हुई है तो इस नहर को क्रॉस करने के बाद अपनी बाइक के पास पहुँच जाऊँगा मैं। चले जी फाइनली हम अपनी बाइक के पास पहुंच गए हैं अब निकलते हैं यहाँ से फुल पावर में क्योंकि मौसम खराब हो रहा है और मेरा कैमरा मैन अब संजय है ठीक है संजय। तो अभी हम उत्तरकाशी से 15-16 किलोमीटर आगे आए ही थे तब तक बारिश हो गई तो हम अभी यहाँ पे रुके हुए हैं तो देखते हैं अभी बारिश कितने देर तक कंटिन्यू होती है। कैसा लग रहा भाई? तो पहले तो हल्की हल्की हो रही थी हमने बोला कोई बात नहीं लेकिन हम जैसे जैसे आगे आते रहे बारिश की जो गति है वो और ज्यादा होती रही। पिएंगे चाय? तो बारिश तो अपना काम कर ही रही तो हम भी अपना काम कर लेते हैं यानी कि ठंडे मौसम में थोड़ा गर्म गर्म चाय पी लेते हैं। देखिए जी जैसे हम तैयार हो रहे हैं तो वैसे बारिश फिर से कंटिन्यू स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली ये सावन की बारिश है इसमें क्या होता है कि ये लगातार नहीं होती है जैसे थोड़ी देर तक होगी 2 मिनट फिर शांत होगी उसके बाद फिर कंटिन्यू होगी और इसी बारिश से पहाड़ों में बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इसी पे हमारे पहाड़ों में एक वखाण बनाया गया है कि औंधा जरा और लगदा लड़ा नहीं जाना चाहिए यानी कि आपको जब बुखार आ रहा हो या कुछ हो रहा हो तो उस समय घर से नहीं निकलना चाहिए और जब बारिश होती है तो उस समय घर से नहीं निकलना चाहिए। बारिश हल्का कंट्रोल हो गई है तो हम सोच रहे हैं कि हम निकलते हैं यहाँ से क्योंकि ये सावन की बारिश है इसका कोई भरोसा नहीं तो जितने जल्दी हम सफर को कवर कर पाए उतना सही रहेगा। बाकी अब हम यहाँ से निकलते हैं और मोबाइल को मैं रखता हूँ वाटरप्रूफ वाले बैग में क्योंकि ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी और इसके मैं लेना भी नहीं चाहता हूँ और हमारे पास कोई सेफ्टी पर्पज से जैसे कि रेनकोट कुछ नहीं ला रखा हमने हम ऐसे हवा में चल रहे हैं। तो दोस्तों हम तो वहाँ से निकल पड़े और भीग भी ठीक ठाक गए हम बाकी हमने बोला जब भीगे तो ढंग से भीगते हैं बाकी ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखते हैं हम। तो चलिए अब आप अच्छे व्यू का नजारा लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा कोहरा छा रखा है यहाँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी कैमरामैन रेडी? अब ढंग से भीगे हम बस हम तो देवता के सहारे चल रहे हैं पुकार पुकार के। चलिए फिर लंबे सफर में चलिए जी फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ और मैं जैसे रास्ते में आ रहा था तब तक शेरू भी आ गया था ऊपर लेने चलो भाई आ गया था लेने और संदे बेचारी भीग गए यहाँ और आपको बिलीव नहीं होगा इस बाल्टी में इतना इतना पानी लाया यानी पूरे सफर में इतनी भर गई थी बाल्टी। कैसा रहा सफर?
पहले हमें ऐसा लग रहा था ठंडा लग रहा है, लेकिन अब गर्म लग रहा है। अब नल के नीचे बैठते तो नल का पानी हमें गर्म लगेगा। बाकी बैग का वजन तो डबल हो रहा है अभी, इसमें तो इतना तो पानी होगा भरा हुआ। और बाकी यहाँ से संध्या जाएगी अपने घर। और ये बाल्टी हमें सर्प के साथ एक एक मिली थी, हालांकि सर्प भी 350 से कम नहीं था। चल ठीक है फिर, ठीक है बाय बाय बाय। कैसा लगा मैं आ गया, ठीक लगा ना? और भाई काफी अच्छा सफर रहा। बाकी मैं एक चीज आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस सावन के महीने पहाड़ों में यात्रा करना चाहते हैं तो इतना रिस्क ना लें। हाँ, एक बार वेदर रिपोर्ट जरूर देखें और साथ में सेफ्टी लेके आए, यानी कि जैसे कि रेनकोट हो गया, बरसाती हो गई। और बाकी जब भी पहाड़ों में आए तो एक बार पहले वेदर रिपोर्ट जरूर चेक करें। आजकल बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और बहुत जगह लैंडस्लाइड सुनाई दे रहा है कि लैंडस्लाइड हो गया। हम तो डर डर के आ रहे थे कि कहीं ऊपर से कोई मलबा ना आ जाए, लेकिन फिर भी फाइनली हम पहुंच गए। भीगे हैं लेकिन ऐसा कि सुरक्षित पहुंचे हैं। सावन का महीना चल रहा है और आजकल तो खतरनाक बारिश हो रही है और आज हमारे आंगन में भूति भी आ रखी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस बरसते गाँव धौंतरी से। तो सामने वाले गांव यानी कि कौनगढ़ गांव में आप देख सकते हैं कितना खतरनाक कोहरा लगा हुआ है और घुघुती लगी हमारे आंगन में चलने पे। काफ़ी खुश हो रखी है जब बारिश हो रही है और शेरू महाराज उसको देख रहा बार बार। और इधर की बात की जाए तो ये जो ऊपर से पानी आ रहा है इसको हम पंजारा बोलते हैं। और बाल्टी देखो पूरी भर गई, वो बाल्टी पत्नी रात से कितनी बार भर गई है। और आज तो अपना शेरू भी सो रखा है, इस मौसम में ये भी कहाँ जाएगा। तो बारिश अभी भी कंटिन्यू बनी हुई है और देखिए जी, बरसात हो या सूखा हो माँ को तो हमेशा काम करना ही पड़ता है। और अभी माँ जा रखी है मधुली के पास, तो उससे दूध निकाल रही है। और यहाँ देखो कितना घिचड़ पिचड़ हो रखा है, यहाँ पाँव नहीं रखा जा रहा है। और मधुली डर रही है, जैसे मैं उसके पास जा रहा हूँ वो बर्तन को लात मार रही है। तो चलिए जी, माँ भी आ गई है दूध लेके। इस मौसम में कहीं जाया भी नहीं जाता और ऊपर से क्या होता है कि जो हमारा पानी जहाँ से आता है ना, तो वहाँ भी पत्थर पुथर आ जाते हैं तो वो पानी बंद हो जाता है और नल पे पानी आना बंद हो जाता है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमको। इसलिए हम क्या करें, जो छत का इकट्ठा पानी है ना उसको इस वाले ड्रम में स्टोर कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है पहाड़ों में। तो बरसात के मौसम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हमें फेस करना पड़ता है और ऊपर से नदी भी बहुत भयंकर उफान पे आ रखी है और उसका डर अलग लगा रहता है क्योंकि कोई खेत ना बह जाए। और सामने की बात की जाए तो भाई अपना ड्रम भी बिल्कुल रेडी हो गया भर के एकदम। तो लगभग 10:45 बज चुके और अभी जाके मौसम थोड़ा रुका हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से माहौल हो रखा अभी। तो चले जी, 11 बज चुके और माँ जी भी आगे घास लेके। और माँ सुबह से इंतजार कर रही थी कि बारिश कब रुके और कब मैं घास के लिए चले जाऊँ। जैसे ही बारिश हल्का कम हुई माँ जी खिसक गई और चुपके से घास भी लेके आ गई। और अभी मैं तैयार हो रखा हूँ, तो मेरी तैयारी है आज नानी के घर जाने की, क्योंकि अनिता भी वहाँ जा रखी है। तो उसने बोला भैया यहाँ आ जाओ, मैं भी आपके साथ फिर कल नीचे चले जाऊंगी। वैसे कोशिश आज आने की, लेकिन मुझे पता नानी आज नहीं छोड़ेगी क्योंकि कल रात से ही फोन कर रखा है एडवांस कि एक दिन यहाँ रहना पड़ेगा। तो चले आज नानी के घर भी चले जाते हैं क्योंकि बार बार वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता है। तो चलिए जी, 10:45 बज चुके और मैं एकदम तैयार हो गया हूँ और मैंने पीठ में बैग भी रख दिया। अब निकलते हैं यहाँ से फुल पावर में और मुझे वहाँ जाना जहाँ कोहरा लगा हुआ है। तो ठीक है वहाँ फिर ध्यान रखना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, बोल रही है कि आराम से जाना, पर हॉर्न मारते रहना है? पक्का? पक्का। तो तू भी घर आ जाना टाइम पे। मैं तो घर आई, मैं तो इतना नूट वाला। मेरे जाने के बाद माँ जी खिसक जाएगी यहाँ से, मुझे पता है। चलो ठीक है, फिर निकलते हैं यहाँ से अब। और इधर की बात की जाए तो अपना शेरू यहाँ पे सो रखा है फर्स्ट क्लास और अपनी धनो यहाँ पे खड़ी हो रही है। शेर भाई, शेर टाटा बाय बाय। तो ऐसे ऐसे झरने मानसून में आपको हर जगह पहाड़ों में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से मुझे आगे होते हुए अभी सामने उस गांव में जाना है, तो वो है मेरी नानी लोगों का गांव। और वहाँ उस पेड़ के वहाँ पीछे जो एक मकान दिख रहा है वो मेरी नानी लोगों का मकान। तो यहाँ से अयार खाल 8 किलोमीटर, बूढ़ा केदार 24 किलोमीटर और बूढ़ा केदार से आगे घनसाली यहाँ से 46 किलोमीटर है। और बाकी भाई और सीजन में ये वाला जो गदेरा ये सूखा हुआ रहता है, लेकिन आजकल बरसात का मौसम है तो पूरा जितना भी ऊपर बांज बुरांस के पेड़ है वहाँ से होके ये गदेरा आ रहा है और मुझे ये कच्ची वाली रोड अब पार करनी है। तो चले जी, फाइनली अपनी धनु को यहाँ पे खड़ा कर दिया है और बाकी ऊपर है बागी गाँव और मुझे यहाँ से पैदल जाना है। और पाँव की हालत तो बेहाल हो गई,
तो देखिए जी पूरा पांव डूब गया था, तो यहाँ पे धुलना पड़ रहा है मेरे को। बाकी सामने बड़ी जी बोल रही है कि तू हर जगह वाली वीडियो भेजता रहता है, बबड़ाता रहता है। तो मैंने भी एक बात बोली कि बिना बबड़ाए कोई पैसा भी नहीं देगा, जब तक कुछ करेगा नहीं तब तक कोई देगा भी नहीं। तो दरअसल पुराने जमाने के जो लोग हैं उनको पता नहीं है कि यूट्यूब क्या है, तो उन बेचारों की भी गलती नहीं है, वो सोचते हैं कि सिर्फ कैमरे के आगे बबड़ाता रहता है, तो उनकी क्या गलती है, उनके जमाने में टेक्नोलॉजी थी नहीं। यहाँ तो सिर्फ पक्षियों की आवाज़ आ रही बस। तो ये देखिए नेचर को फील करो आप एक बार। अभी यहाँ पे जितनी शांति मिल रही है उतना ही डर अंधेरे होने के बाद लग जाता है, क्योंकि प्रकृति जितनी शांत और जितनी दिखने के लिए अच्छी है उतनी खतरनाक भी हो जाती है अंधेरे में, क्योंकि दिन में हमारा है तो रात को फिर जानवरों का भी तो राज रहेगा। तो देखिए जी फाइनली पहली जोंक लग गई, तो भाई भागना पड़ेगा मुझे, हालांकि भागते भागते भी लगेगी लेकिन कम से कम लगेगी। तो चलिए जी फाइनली यहाँ पहुँच गया हूँ, तो पहले पाँव धुलता हूँ अपने। माम प्रणाम। ठीक है तो चलिए जी फाइनली घर आ गया हूँ। बहुत बड़ा बहुत बड़ा। तो नानी के घर आते आते भाई बहुत जोंकों से सामना करना पड़ा मुझे, सारी जोंक रास्ते में स्वागत करने के लिए तैयार थे, लगता है नानी ने उनको बैठा रखा था, मेरा नाते आ रहा स्वागत करो, पर चलिए बच गया भाई। और बाकी नाना जी अंदर आराम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कई बार बोला है कि नाना जी की तबीयत हमेशा खराब रहती है और इस उम्र पे कोई भी स्वस्थ नहीं रह पाता है, तो इसलिए मैं नाना जी को बोलता हूँ नीचे हमारे घर चलो वहाँ आराम करो, क्योंकि यहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं है ना उतनी, तो बेचारे अंदर सो रखे अपना। बाकी भाई नानी के घर आते ही नानी ने अपनी जो चूल्हे उसको जला दिया है, और बाकी इसके ऊपर अब गर्मा गर्म चाय बनेगी, और आजकल नानी ने मिट्टी की पुताई भी कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया है। तो नानी पूछ रही कि ठीक लग रही है मिट्टी की पुताई, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, सुकून इन्हीं घरों में, सच बताऊं अगर। अरे गरीब अमीर कुछ नहीं भाई, सब बढ़िया। और बाकी भाई अंदर तो धुआं दिखना जायज है क्योंकि वहाँ चूल्हा है, बाकी नानी बोल रही कि गरीब आदमी, मैंने कहा गरीब आदमी सोच से होता है पैसे से नहीं, बाकी सब बढ़िया है फर्स्ट क्लास। और मुझे तो सबसे सुकून मिलता है इन कमरों में सोने में, क्योंकि मैं कई बार रह चुका हूँ, और मिट्टी के कमरे में क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में ठंडा रहता है और ठंड के मौसम में गर्म रहता है, ये वातानुकूलित होते हैं कमरे। तो नानी जी ने गर्मा गर्म चाय दे दी है, तो अब चाय का मजा लेते हैं जरा। तो चलिए जी फाइनली आ गया है कन्हैया। प्रणाम प्रणाम। ठीक ये तो कुल मिला के सभी लोग आ गए यहाँ, इनको जैसे पता चला मैं यहाँ आ गया। यार बस 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 हो गया। ये खुश रहो। और बढ़िया है सब, कोई दिक्कत, सब बढ़िया ना। चलिए जी फाइनली ये लोग यहाँ आ गए हैं, तो मैं बहुत बोर हो रहा था, मैंने कहा यार आते कि नहीं आते, लेकिन अब ये आ गए तो अब इनके साथ मस्ती करना तो जायज है। बाकी आज के ब्लॉग को इतना रखता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे काम करने हैं हमने, यानी कि खेलना है आपस में। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भोगना मिलता हूँ किसी फनीदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय देव भूमि उत्तराखंड।